वेलकम टू माय चैनल होम कुकिंग। क्या ना फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन फ्राई पकौड़े। तो वो किस तरह बनाते हैं, थोड़े से डिफरेंट। हम बेसन में भी नहीं बनाते हैं और ना उसे बनाते हैं, हम उसे बनाएंगे प्लेन फ्राई। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चाहिए चिकन ब्रेस्ट, मन चाहिए ये इस तरह इतना लंबा लंबा, ये हमने 1 किलो ले लिए। तो इसलिए हमें प्लेन फ्लावर चाहिए 2 बड़े कप। तो चलिए हम उसके मसाला इसका बनाते हैं। हमें चाहिए सूख मिर्च पाउडर 2 चम्मच, छोटी चम्मच हमें अजवाइन की चाहिए, इसलिए हम हल्दी यूज नहीं करेंगे, इसका कलर रेड होता है, इसमें हम रेड कलर डालेंगे इतना सा थोड़ा सा। तो इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे ग्रीन कलर। जब मुझे याद नहीं, अब याद आया, चलो बाद में चेक कर लेंगे कितना चाहिए। वो मेरे पास 1 कप लेंगे, 1.5 कप आप लेमन का जूस भी इसमें ले सकते हो। बहुत मजे के बनते हैं, बहुत मजे करते हैं ये। थोड़ा सा दही ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच, बड़ी चम्मच हमने दही की ले ली। बहुत मजे के बनते हैं इसके साथ चटनी में पुदीने की हरी हरी मिर्ची, तो क्या ही बात है। ट्राई करके मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको ये चिकन फ्राई कैसा लगा। अब इसे
टेस्ट हो गया रेडी। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। इसे हमने रख देना है आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं इसे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे घंटे के लिए रख सकते हैं। उसके बाद हमारी गर्म करके इसे कर सकते हैं। हम एक घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम एक घंटे के बाद मिलेंगे। तो फ्रेंड हमारा हो गया है रेडी चिकन का मसाला, चिकन पकौड़े का मसाला हो गया हमारा रेडी। तो इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। तो चलिए हम अब इन्हें फ्राई करते हैं। बहुत मजे के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आपने चिकन को लंबा रखना है, छोटा रखना है, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है इस तरह। तो मैं फिर इसी तरह आप थोड़े छोटे नॉर्मल पीसेस भी ले सकते हैं, मीडियम भी ले सकते हैं, छोटे छोटे पीसेस भी आप ले सकते हैं। तो हमें इस तरह पसंद है, तो इसलिए हम इसी तरह। हमारे चिकन पकौड़े हो गए रेडी। अब हम निकालें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनके, बहुत मजे के होते हैं ये। तो बिल्कुल सा रहता है टाइम का। अब हम निकाल लेंगे हमारे चिकन पकौड़े हो गया रेडी। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुकिंग किया है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। तो मैंने चेक करती हूँ, बहुत मजेंगे फ्रेंड जी, बहुत अच्छे इनका जायका है, बहुत अच्छी स्मेलिंग की आ रही है। घर में घर में ट्राई करें, कमेंट्स में बताएं।